आज के दौर में महंगी पढ़ाई, 5 लाख रुपए में बेटों को पढ़ाया, हॉस्टल का खर्चा उठाया, उसके मोबाइल को रिचार्ज करवाया, और उस बेटे ने अगर माँ बाप की इज्जत नहीं की तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ाई का। और ये आदर्श विद्या मंदिर ने अगर सिखा दिया कि बेटा सबसे पहले प्रणाम कर तो माँ को कर, और उसके बाद में पिताजी को कर, और तीसरे नंबर पे गुरु महाराज को कर, एक बार बहुत जोरदार तालियां बजा करके हम ऐसे संस्कारों का बहुत जोरदार स्वागत करें। एक गाना गाओ, फिल्मी आनंद आ गयो, और साहब ये सुना के जाना चाहूंगा इंग्लिश। एक अंग्रेज मेरे को मिल गया पुष्कर में, हेलो इंडियन मैन, हाउ डू यू डू, मैं कहा आई एम क्वाइट वेल, वेयर आर यू, आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, और योर इंडिया इज वेरी होली पैलेस, मैंने कहा यस, योर इंडिया इज वेरी कलरफुल, ओह यस, बट इन योर इंडिया मैनी कलर्स, इन तमिलनाडु ओनली ब्लैक, इन राजस्थान गोरा एंड काला, वॉट इज द डिफरेंट ऑफ कलर्स। मैंने कहा देख प्यारे बात ऐसी है, अंग्रेज बोला इन इंग्लैंड ओनली व्हाइट, अंग्रेज ओनली व्हाइट, एंड इंडियन इज मैनी डिफरेंट कलर्स, वॉट प्रॉब्लम, वॉट रीजन। मैंने कहा सर बात ऐसी है, घोड़ा कई रंगों का होता है और गधेड़े का रंग एक ही होता है। अब अंग्रेज ने मेरे से एक सवाल और किया, बट इन योर इंडिया एजुकेशन इज वेरी पुअर, भाई एवरीबॉडी नो स्पीक इन इंग्लिश, एवरीबॉडी स्पीक इन गोडवाड़ी मारवाड़ी शेखावाटी। मैंने कहा सर लिसन माई टॉक, इन माई इंडिया डॉग स्पीक इन इंग्लिश, नो 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 वेयर। मैंने कहा कम विथ मी, अंग्रेज को लेके एक बंद गली में, अंदर 3-4 बैठे थे कुत्ते, वेयर आर डॉग स्पीक इन इंग्लिश। मैंने कहा सर गो इन साइड देयर, प्रिंसिपल साहब अंदर ही बैठे, जाओ। जो ही अंदर घुसा, कुत्तों ने अंग्रेज को देखा, अंग्रेज ने कुत्तों को देखा, कुत्तों ने पहला सवाल किया अंग्रेज से, वाट से पूछ रहे हैं, बता हू कौन है। अंग्रेज बोला आई एम फॉरेनर, सी फॉर इंडिया। कुत्तों ने दूसरा सवाल किया, हाउ 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 हाउ, या कैसे बड़ा बंद गली में। अंग्रेज ने फिर सेटिस्फाई किया, आई एम सी फॉर इंडिया। तीसरी बार कुत्तों ने कांडे हिला के कहा, ओ, 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 ओ तो बस चेहरे पे मुस्कुराहट हो। एक गाने ने बहुत ज्यादा परेशान किया, प्रकाश बाबू पूरे हिंदुस्तान में पूछ के आया हूं, आपको भी पूछ लेता हूं। गाना देखो, हीरो गा रहा पर्दे पे, वो तो लाखों रुपए ले रहा, परेशान मैं हो रहा हूं, पायो रे 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 पायो, कोई तने बीड़ी पायो, कोई तने सिगरेट पायो, कोई तने अफीम पायो, कोई तने स्मैक पायो, गांजो पायो, चरस पायो, कोको कोला पायो, फेंटा पायो। अब वो लाइन जो बोल रहा हूं, देखना चाहता हूं जोधपुर सूरी नगरी की कितनी ताकत भरी तालियां उस लाइन को मिलती है। कोई तने कई भी पायो, लेकिन सब पहली थैर में पैदा भैया जी टेम का, आपकी मारी माँ छाती के चेहरे पर दूध पायो, बिने कहवे पायो पायो पायो, अरे वाह, मारी मावड़ी 2 घंटा तक पैदा होबा तक पायो पायो नहीं करती। तो ना तो प्रकाश माली हो तो, ना नरेंद्र मोदी हो तो, ना महाराणा प्रताप हो तो, ना ओम महावर हो तो। एक बार तालियां बजा करके हम अपने माता पिता का सम्मान करें। और ये नौजवानों की देखो, नौजवानों की बहुत परेशानी, डागड़ा पे जा रात के 12:30 बजे, ऊंचो मुंडो कर पचक हवे, सुन रहा है ला तू, रो रहा हूं मैं, माने कहीं पता क्यों रो रही हो, मिस कॉल आ रिया जो रो रही है, कि मिस कॉल नहीं आ रिया जो रो रही है, कोई को फोन खराब हो गया जो रो रही है, लेकिन जो माता पिता के लिए रोया वो श्रवण कुमार के रूप में अभी तक जिंदा और जिंदाबाद है, जो कष्ट के लिए रोई वो मीरा अभी तक जिंदाबाद है, जो देश के लिए रोया वो महाराणा प्रताप अभी तक जिंदाबाद है। रोने वोने का काम नहीं, प्रकाश बाबू मैं तो कुछ और भी बोलता हूँ, सुन रहा है ना तू, गा रहा हूं मैं, इसलिए
मुझको हीरा दे दे, कसमें दीवा दे दे, मेरी दुआओं को इशारों के सहारे दे। आगे के साथ ये भगवान से मांगता हूं मैं, मुझको हीरा दे दे, कसमें दीवा दे दे, मेरी दुआओं को इशारों के सहारे दे। दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे। और हे बाबा, अपने कर्म की कर अदाएं, कर दे इधर भी तू निगाहें। सुन रहा है